हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने यूट्यूब को हिलाकर रख दिया है और जिस तरह का रिस्पांस इस टीजर को मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। केजीएफ चैप्टर 1 के रिलीज के बाद यश ने कहा था कि भाई केजीएफ 2 पहले भाग से भी बड़े स्तर तक पहुंचेगी और उससे बड़ी फिल्म होगी, तो लोगों ने लगता है कि यश की बातों को काफी सीरियसली लिया है। तभी तो यश ने अपने भरोसे को कायम रखा है। KGF 2 का टीजर 8 जनवरी को यश के जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले रिलीज किया गया था और टीजर रिलीज होते ही फैंस टीजर के दीवाने हो गए थे और अब तक इस टीजर को 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है और ये YouTube पर अभी भी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म के टीजर को मिले जबरदस्त रिस्पांस पर खुद यश ने भी खुशी जताई थी, तो वहीं अब संजय दत्त भी फिल्म के टीजर को मिले रिस्पांस से काफी खुश है। संजय दत्त ने एक बातचीत में टीजर को लेकर कहा, ये तो भी टीजर था, पिक्चर अभी बाकी है, मैं चाहता हूँ कि लोग इसे जल्द से जल्द देखें, मैं इस फिल्म के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वहीं संजय दत्त ने भी ये बताया कि जब उन्हें फिल्म ऑफर हुई थी तब उनका कैसा रिएक्शन था। वो कहते हैं, बहुत वक्त बाद ऐसा रोल मिला था, मैं इस रोल के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया था, ये किरदार बहुत ताकतवर था और मैंने तुरंत इस रोल को करने के लिए हाँ कर दिया था। तो आपको बता दें कि भाई इस फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में वो सबसे बड़े विलन अधीरा का रोल निभा रहे हैं। इस बार दर्शकों को संजय दत्त और यश के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। दोनों के बीच कई एक्शन सीन्स फिल्माए गए हैं और फिल्म में संजय का रोल सबसे पावरफुल होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी बताया जा रहा है, जो कि आपको अग्निपथ के कांचा चीना की याद दिला देगा। फिल्म में यश और संजय के अलावा रवीना टंडन भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। तो उन्होंने फिल्म के लिए कहा कि भाई मैं फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहती, मगर अलग और रोचक किरदार है। रमिका सेन का किरदार बहुत जटिल और शक्तिशाली किरदार है और आप मेरे किरदार के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपको बताते चले कि भाई फिल्म के टीजर ने अब तक कई रिकॉर्ड्स बना डाले हैं और जिस तरह से फिल्म को लेकर बज़ है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये फिल्म रिलीज के बाद बड़ा इतिहास रचने वाली है। वैसे आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।